Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar. This is a continuation video on redemption of preferentials with bonus issue. In the last video lecture we have done till question number 3. Now let's start with the question number 4. Question number 4 is a good question and थोड़ा बहुत complicated है, so उसको अच्छे से पढ़ना. Ajanta Traders company had an authorized capital of rupees 8 lakh divided into 2 10,000 6% preferential of rupees 10 each, 20,000 7% preferential of rupees 10 each, 50,000 equity shares of rupees 10 each. This is the authorized capital. Then on 1st Jan 2022, the whole of the two classes of the preferential and 15,000 of equity shares stood at stood in the books of account as fully paid. अच्छा, तो देखिए, इनमें से ये दो तो आपके इशू हो चुके थे, ये और ये, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही जो शेयर इशू किए हैं. देन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज ऑन दैट डेट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000, द बैलेंस प्रॉफिट 32,000. ऑन 1st July 2022 इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द होल 6% प्रेफरेंशियल्स एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 पर शेयर. That means कंपनी जो रिडीम कौन से शेयर करना, कौन से प्रेफरेंशियल कर रही है, कंपनी कर रही है दिस वन, वो भी प्रीमियम पे, दैट इज रुपी 1 पे. एंड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस द कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर पेबल फुल ऑन अलॉटमेंट. ऑल द अबव शेयर्स वर टेकन अप, द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू रुपीज 3,000. ऑन 1st October द कंपनी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 1 बोनस शेयर of rupees 10 fully paid for each 5 years. That means the ratio of bonus issue is, that is 1:5. It is the intention of the debtors that the minimum reduction should be made in revenue reserve account, which stood at rupees 1,25,000. Now give necessary generalities. So pehle hum jo redemption of preferentials wala point cover kar lete hain. To dekhiye, पहले होता है वर्किंग नोट, फेस वैल्यू देखिए 6% वाला है, ये याद रखना, ये 6% वाला है, राइट. उसकी फेस वैल्यू कितने, देखिए आप क्वेश्चन में, यहाँ देखिए फेस वैल्यू कितनी थी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 1 लाख. इसी को रिडीम कर रहे हैं. फ्रेश इशू कितने करें, फ्रेश इशू किए कंपनी ने 8,000 इक्विटी शेयर्स, राइट. सो वो कितना गया, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सो दैट मीन्स रिवेनिंग ऑन CRR के कितना हो गया 20,000. अब जनरेटर स्टार्ट करेंगे, क्या हो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंशियल कैपिटल. ये कैसा आएगा आपका, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, रुपी 1 का तो आपका प्रीमियम था, उससे पे कंपनी जो रिडीम कर रही है, एंड बाकी कहाँ चला गया, प्रेफरेंशियल होल्डर को इतने पेमेंट करनी है. देन कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, न्यू शेयर कर रही है, तो एंट्री करते बैंक ऑफ डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट. 96,000 कैसा आया, सी वाली एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. कंपनी इशू कर रही है 8,000 शेयर्स, प्रीमियम पे कर रही है, तो फेस वाली कितने के 10, प्रीमियम पे कितना होगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 80,000, 16,000 टोटल हो गया 96,000. देन कंपनी CRR में कितना कर रही है, 20,000. कंपनी CRR कहाँ से डलाएगी, फ्री रिजर्व कौन से अवेलेबल है, अवेलेबल है कंपनी के पास, कंपनी के पास प्रॉफिट है 32,000 का, अच्छा खासा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी यहाँ से निकालेगी 20,000 का CRR. उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट कर दी 1,10,000 की इंक्लूडिंग प्रीमियम. कंपनी ने फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को राइट ऑफ करा. कंपनी के पास इनिशियली सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कितना था, दैट इज रुपीज 20,000, और कंपनी को राइट ऑफ कितना करना है, 16,000, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा. तो ये 10,000 कंपनी ने कर लिया, सॉरी 10,000 करना था ना, दिस वन, सॉरी दिस वन. देन कंपनी ने कॉस्ट बी ए करा 3,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, सो एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ बैंक टू बैंक, कॉस्ट ऑफ इशू शेयर्स टू बैंक रुपीज 6,000, एंड दिस कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बिकॉज ऑफ P&L से प्रॉफिट से कॉस्ट बी ए होगी. देन बोनस इशू करा, बोनस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ओल्ड शेयर देखो कितने थे 15,000, कैसे निकाला सर आपने 15,000, देखिए ये रहे 15,000, राइट. सो 15,000 ओल्ड शेयर से एंड 8,000 न्यू शेयर से, टोटल कितना हो गया 23,000 शेयर्स, रेशो कितने 1:5, तो ये कितना हो गया आपका
ये हो गया 4600 एज बोनस इशू, राइट। सो वैल्यू कितनी होगी बोनस शेयर्स की? दैट इज 4600 मल्टीप्लाई बाय 10 विच कम्स टू रुपीज 46,000, राइट। अच्छा, इसको कंपनी कहाँ कहाँ से सेटअप करेगी? बिकॉज ये तो बोनस है, शेल्टर के लिए तो फ्री है, लेकिन कंपनी वो पैसे कहाँ से देगी? रिजर्व से। कौन कौन से रिजर्व? पहले कंपनी देखी कि सीआरआर कंपनी के पास कितना गेट था? 20,000 रुपये। तो 20,000 तो कंपनी यहाँ से ले लेगी सीआरआर से। उसके बाद कंपनी कहाँ से लेती है? एसपीआर से, राइट। एसपीआर में कंपनी के पास कितना बैलेंस है? कंपनी के पास इनिशियली कितना था? 20,000 रुपये था प्रीमियम था कंपनी के पास पहले। 10,000 रुपये कंपनी ने रिडीम कर दिया, तो कितना बचा? 10,000। फिर 16,000 और आ गया, तो कितना बचा? 26,000। तो 26,000 यहाँ से पूरा आ गया, तो टोटल हो गई ये 46,000, खत्म बात है। तो राइट, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एंट्री आपकी हो जाएगी सीआरआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू 40,000, एंड देन बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 46,000, राइट। ये तो काफ़ी ईजी हो गया आपका, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ दिशा लिमिटेड एज ऑन दिस डेट। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, दैट इज ₹10 lakh, 60,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 कॉल्ड अप है, तो हम इसको फुली फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व गिवन इस बार आपको दैट इज 2 लाख रुपये का, जनरल रिजर्व गिवन आपको 2.5 लाख का, सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन आपको 1,20,000 का, पीएनएल गिवन आपको 4 लाख का, बाकी सबको एसेट्स गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट वॉज पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी ने 60,000 की जो प्रेफरेंस शेयर्स थे फाइनल कॉल कितनी की थी? 2 रुपये के हिसाब से कंपनी ने 1,20,000 रुपये कंपनी ने मंगा लिए फाइनल कॉल में। देयर आफ्टर द कंपनी रिडीम द फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ₹10%। In order to pay off the preferences, the company sold its investment realizing at ₹4,40,000. Investment थी कितने की? 4 लाख की। कंपनी ने मुनाफे में बेच दिया एंड इशू 2011% preferences और ₹100 each। अच्छा, अब इस बार कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू नहीं करे, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर दिए, राइट। द फुल अमाउंट वॉज कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन। द कंपनी ऑल्सो इशूड फुली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 1:2 की बोनस बोनस रेशो है। रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजेक्शन। ओके, वैसे तो मोरलेस काफ़ी इसी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉरी विद सॉल्यूशन आंसर नंबर 5। पहले बनाएंगे हम वर्किंग नोट। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर रखना फेस वैल्यू, यानी कि पूरे के पूरे लिखने हैं, यानी कि गलती से आप ये वैल्यू मत लिख देना, क्योंकि कंपनी 2 रुपये का सोर्स मंगा रही है, तो 480 + 1,20 कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपये आ जाएगा पूरा। लेस करेंगे, क्या हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वैल्यू हमें गिवन है? हमें गिवन है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है 2,000 रुपये के, तो यहाँ लिखेंगे फ्रेश इशूड, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है 2,000 × 100 अमाउंटिंग ₹2 lakh, दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट विल बी सेट अप फ्रॉम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, राइट। नाउ लेट्स डू जर्नल एंट्रीज। पहले कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से फाइनल कॉल मंगाई थी, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज 10% प्रेफरेंस शेयर्स
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री कैसे हो जाएगी आपकी 60,000 मल्टीप्लाई बाय टू, राइट, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000। देन पैसे तो आ गए थे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल सेम अमाउंट दैट इज 1,20,000। नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी कितने पे कर रही है? प्रीमियम पे कर रही है। प्रीमियम का रेट कितना है? 10%। टोटल अमाउंट कितना यहाँ पर है? 6,00,000 आ जाएगा। अब 60,000 एंड 6,60,000, राइट। कंफ्यूज ना तो लिख दे तो यहाँ पर मैं यहाँ अगर 60,000 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 10, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1। देन डी पार्ट सी आर आर क्रेडिट करता है, कितने करता है? 4,00,000 का। अब सी आर आर कहाँ से लिखेंगे अमाउंट? सी आर आर देखिए यहाँ पर आपके पास जनरल रिजर्व है 2,50,000 का, तो कैपिटल रिजर्व तो लेंगे नहीं हम, पीनल गिवन है 4,00,000 का, तो जनरल रिजर्व और पीनल से उठा लेते हैं सारा। अच्छा उसमें मुनाफा भी तो होता है, मैंने कोई एसेट बेची थी 4,40,000 की, 40,000 का तो वही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जनरल रिजर्व से हम लेते हैं 2,50,000, बाकी रिमेनिंग पीनल से लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दैट इज 4,00,000। देन कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 4,00,000, प्रॉफिट हुआ 40,000 का, बैंक में कितना आया? 4,40,000। ई हो गया, एफ देखिए अब क्या रह गया हमारे पास। अब बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज रुपीज 6,60,000। Then, writing of premium monetization from securities premium, write off कितना करना हमें? करना है 60,000 का। कंपनी के पास securities premium है कितना? 1,20,000 का, sufficient है, कोई दिक्कत ही नहीं फिर। तो securities premium account debit to premium on redemption account that is 60,000।
राइट। एक बार चेक करें तो कोई और एंट्री तो नहीं रह रही, कंपनी ने रिडीम भी करा प्रीमियम पे, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हमने, नहीं प्रेफरेंस शेयर भी हमने इशू कहाँ करे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करने हैं, 2 लाख रुपए की कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो वो तो एंट्री हमने की नहीं। कंपनी ने करे 11% प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी पहले पैसे आए थे ना पर, तो पहले कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर, ये आए थे 2 लाख रुपए के हिसाब से, 2 लाख रुपए कैसे आए, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, देन 11% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर ऑन एप्लीकेशन लिख सकते हो, यहाँ पर भी एप्लीकेशन लिख देना, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज रुपीज 2 लाख। राइट, आई गेस बोनस के अलावा बाकी सब हो चुका है हमारा। हाँ जी, बोनस हो चुका है। अब बोनस का रेशियो कितना है, 1:2। बोनस की एंट्री करनी है हमें, बोनस देखिए ओल्ड शेयर्स कितने थे, ओल्ड शेयर्स थे 1 लाख के, और न्यू शेयर तो कंपनी ने प्रेफरेंस इशू करे हैं, इक्विटी तो करे नहीं। बोनस जो डिक्लेयर होता है वो किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है ना, राइट। तो ओल्ड ओल्ड है, न्यू तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ ओल्ड लेके चलेंगे और न्यू में आप कुछ मत लिखना, नील। टोटल कितना हो गया 1 लाख का, रेशियो कितनी है 1:2, सो दैट मीन्स कंपनी जो 50,000 बोनस इशू कर रही है, राइट। तो बोनस इशू की वैल्यू कितनी है, 10 और 100, गिवन नहीं है कि बोनस इशू की वैल्यू फेस वाली कितनी है, तो जो इनिशियली थी 10 रुपये थी वही लेके चलेंगे अब हम, सो दैट मीन्स 5 लाख रुपये कंपनी को जुगाड़ करना है, राइट। सो एंट्री 5 लाख रुपये की लेनी है, 5 लाख रुपये कैसे आएंगे ये वो देखना होगा हमें। यहाँ पर लिखो वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 5 लाख, राइट। अब इसको कंपनी कहाँ कहाँ से इशू कर सकती है, कंपनी करेगी पहले CRR से, CRR कंपनी ने कितने क्रेडिट करता, 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए तो यहीं से आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम हो गया। इसके बाद अच्छा कंपनी के पास कुछ कैपिटल रिजर्व भी था, कैपिटल रिजर्व 2 लाख का, तो कंपनी वहां से करेगी SPR से, पहले कंपनी जो है कैपिटल रिजर्व से लेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व दैट इज 1 लाख, यहाँ से आ जाएगा, टोटल हो गया 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एंट्री करें यहाँ पर CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व टू बोनस इशू, यहाँ से उठाएंगे हम 4 लाख, यहाँ से उठाएंगे हम 1 लाख, टोटल हो गया हमारे पास 5 लाख। देन लास्ट एंट्री बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 5 लाख।
राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. बैलेंस शीट आपको गिवन है, इक्विटी शेयर गिवन है आपको 10,000 के हिसाब से, बट वो कोलसन एरियाज में टोटल अमाउंट गिवन है 79,700. कैसा है 80,000 लेस 300. 10% प्रेफरेंस गिवन आपको, 1,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 एच के. इसमें भी कोलसन एरिया 1,00,000 माइनस 5,000 दैट इज 95,000. रिजर्व फंड गिवन आपको 50,000 का, सरप्लस गिवन आपको 87,500 का. देन कुछ फिक्स एसेट एंड इन्वेंटरीज गिवन आपको. वन वन बढ़ते हैं. रियलाइज इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस ऑफ रुपीज 10%. इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट थी कितने की, फेस वाली 50,000 की है, 40 हम लोग 40 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कंपनी इसको 36,000 में बेचा थे इस तरह से. फिर कंपनी बोलते हैं कि फॉरफिट दी इक्विटी शेयर ऑन विच कोलसन एरिया. अच्छा, जो कोलसन एरिया था कंपनी उसको फॉरफिट कर दिया. देन कंपनी ने 514% डिबेंचर इशू करे एट 5% प्रीमियम पे. ओके, देन फॉरफिट द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच द कॉल मनी रिमेन अनपेड इमीडिएटली बिफोर रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. अच्छा, कुछ कॉल से नहीं रहते प्रेफरेंस शेयर्स भी, उसको कंपनी ने क्या करा, फॉरफिट कर दिया. पैसा आया नहीं तो कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को रिडेम्पशन करना है तो उससे पहले फुली पेड अप किस तरह से करना ही है ना. तो कंपनी ने कोशिश करा लेकिन फिर कंपनी ने इसको फॉरफिट करा और फिर लिखा हुआ होल्डर्स ऑफ 200 शेयर्स पेड हिज ड्यूज इन टाइम. अच्छा, फॉरफिट कर रीशू नहीं करा. अच्छा, रीशू कहा गया, रीशू फॉरफिट हो गया. फिर रिपे करा प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रीमियम पे कराए. फिर कंपनी ने, अच्छा, जो प्रॉफिट करते इक्विटी शेयर्स उसको कंपनी ने रीशू भी करा 12 रुपये के हिसाब से. यूटिलाइज द प्रॉफिट टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड एंड टू इशू पेड बोनस इन द रेशो ऑफ 1:2. अच्छा क्वेश्चन क्लास, इसको थोड़ा लेंदी बनेगा, ध्यान से करना इसको. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट 6. वर्किंग नोट face value of preference shares. याद रखना हमें यहाँ पूरी face value लेनी है, यानी कि कंपनी ने redeem करके, कंपनी ने उसको forfeit करके reissue भी कर दिया, तो हम पूरा 1,000 के हिसाब से लेके आएंगे. सो दैट मीन 1,00,000 रुपये हुए, राइट. लेस करेंगे, क्या हमें पता है कि कंपनी कितने sufficient number of इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है. कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स, कंपनी ने लिखा नहीं है ऐसा कुछ कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेची है. इक्विटी शेयर को पहले प्रॉफिट करा, रीइशू करा, प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट करा, फिर इशू करा, डिबेंचर इशू करे, बट लिखा नहीं कि कंपनी ने फ्रेश कितने करे. फ्रेश कितना करा कंपनी ने कहीं लिखा नहीं है. तो हमें सारा रिजर्व की तरफ जाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें जो है रिजर्व की तरफ जाना पड़ेगा. तो रिजर्व देखिए वापस कितना कितना सरप्लस गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है आपको, सरप्लस गिवन है तो सफिशिएंट गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं. फिर तो जी, तो वहाँ पर रिजर्व भी सरप्लस भी है. तो यहाँ पर हम अमाउंट अवेलेबल फॉर CRR, तो 50,000 हम रिजर्व से निकाल लेते हैं, 50,000 हम सरप्लस से निकाल लेते हैं. रिजर्व हो गया 50,000, PNL हो गया 50,000, टोटल हो गई 1,00,000. तो इसका मतलब अब हम इस बार जो है फ्रेश इशू नहीं कर रहे, फ्रेश इशू कर ही नहीं रहे. तो जब फ्रेश इशू कर नहीं रहे तो साइड बाई साइड हम बोनस का भी कर लेते हैं. फिर तो बोनस 1:2 है. इक्विटी शेयर है कितने, इक्विटी शेयर हैं 10,000, यानी कि 1,00,000 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स हैं ओल्ड. 1:2 का रेशो है, सो दैट मीन्स कंपनी जो है 5,000 बोनस करना चाह रही है. और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10
सो 50,000 जो है बोनस इशू की वैल्यू होगी। इसको बाद में चेक करेंगे कि भी कंपनी जो है इसको कहाँ से स्टार्टअप कर सकती है। चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए ए पार्ट पहले हम वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। पहले कंपनी ने इन्वेस्टमेंट रियलाइज करी 10% के लॉस पे, उसकी वैल्यू फेस वैल्यू दिखी थी 50,000 की। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी ने बेचा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 की वैल्यू थी। सो दैट मीन्स 5,000 का जो लॉस हो गया टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की फेस वाली कितनी थी 50,000, कंपनी ने बेचा इसको लॉस पे 10% के लॉस पे, राइट। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है। सेकंड बात है, कंपनी ने फॉरफिट कर इक्विटी शेयर्स जो कॉलजिनेयर थे। कॉलजिनेयर कौन कौन से थे, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 300 शेयर के हिसाब से कंपनी ने फॉरफिट करे, कंपनी ने 300 शेयर के हिसाब से, राइट। एंट्री एंट्री देखिए क्या होगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फाइनल कॉल जो कॉल से नहीं रह रहा। कंपनी कितने शेयर फॉरफिट कर रही है, 300 शेयर कर रही है, तो वो तो पूरे 10 रुपये के हिसाब से उसको फॉरफिट कर लेगी। उसने कितने नहीं दिए, उसने 2 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, बाकी जो उसने दे दिए कंपनी उसको फॉरफिट कर रही है, राइट। तो कितना आ जाएगा 3,000, ये कितना आ जाएगा 2,400, और ये हो गया 600, राइट आई गेस, हाँ राइट। चलिए ये भी हो गया हमारा, सेकेंड एंट्री होगी फॉरफिट कर दिया। उसके बाद कंपनी ने 500 जो डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो डिवेंचर वाले एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट 2 14% डिबेंचर्स, कंपनी कितने इशू कर रही है 500 शेयर कर रही है ऑफ रुपीस 100 ईच, कितना आ गया 50,000। अच्छा सॉरी, कंपनी तो प्रीमियम के साथ कर रही है ना, तो प्रीमियम कितना है 5 रुपये प्रीमियम है, सॉरी 5%। सो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 52,500 आएगा। राइट देन डी पार्ट 14% डिबेंचर्स 2 डिबेंचर एप्लीकेशन 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर पूरा फेस वैल्यू के सबसे आएगा 50,000, ये हो गया 5% प्रीमियम, एंड ये हो गया 52,500 इंक्लूडिंग प्रीमियम। राइट ये हो गया हमारा एंट्री नंबर, ये हो गया। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स भी फॉरफिट करा जो न्यून एंड पेन नहीं किया, और लिखा हुआ है कि जो होल्डर्स थे 200 शेयर्स के वो पे कर दिए ड्यू ऑन टाइम, उसने पे कर दिया।
तो पहले जो 200 शेयर थे उसके पहले हम पैसे देख लेते हैं कितने आए थे। 200 शेयर, अच्छा 250 वाले ने नहीं दिए, उसमें से 200 शेयर वाले तो ऑन टाइम पैसे दे दिए, राइट। तो एक शेयर था कितने का, 5000 डिवाइड बाय दिस, यानी कि 20 रुपीज़ का था क्वेश्चन एरिया, राइट। तो पहले पैसे आ गए हैं, डी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल चेन एरियर, कैसा आया है ये, 200 शेयर थे उसके पास, 20 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 4000। अब करेंगे इसकी फॉरवर्ड की एंट्री, 50 शेयर की फॉरवर्ड की एंट्री करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर, राइट। 50 रुपये के हिसाब से यानी कि 50 50 × 100 यहाँ आ जाएगा, 50 × 20 यहाँ आ जाएगा, 50 × 80 यहाँ आ जाएगा। सो 5000, 4000, 1000, राइट। चलो फॉरफिट कर दिया, अब ये एंट्री भी हो गई हमारी। अब कंपनी उसको रीशू कर, जो प्रेफरेंस शेयर से 50 रुपये के हिसाब से रीशू कर दिए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये प्रेफरेंस शेयर वाली है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। तो कंपनी ने इसको रीशू कर रही है, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर रही है, 50 कर रही है 100 रुपये के हिसाब से, और कंपनी ने उसके पैसे मंगाए 50 रुपये के हिसाब से, बाकी कंपनी एक तरह से कह देगा लॉस हो गया कंपनी को, राइट। तो कितना आ गई है, 2500, 2500 एंड 2500, देन एच पॉइंट रीशू हो गया। अब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी विद प्रीमियम, अच्छा, बट उससे पहले हमें सारे एंट्री करनी पड़ेगी ना, सीआरआर हमने क्रिएट नहीं करा, सीआरआर कितना था हमारा, 1 लाख रुपए का था ना, रिजर्व से और पीएनएल से। तो पहले वो एंट्री करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सी आर आर 50,000, 50,000 एंड 1 लाख, एक उस पेमेंट करने से पहले सारा प्रोसेस होना चाहिए ना, तो पहले तो सी आर आर क्रिएट करने का होता है, इन्वेस्टमेंट बिची होगी, नए प्रेफरेंस शेयर ना इक्विटी शेयर इशू करे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करनी थी कंपनी को, 52,500, नहीं कंपनी को पेमेंट, सॉरी कम हमने, अरे सॉरी हमने तो एंट्री ही नहीं करी, ओके सॉरी, ड्यू की तो पहले पेमेंट कर लें, ड्यू की हमने एंट्री नहीं करी, सो ड्यू की एंट्री क्या होगी हमारी, दैट इज 10%, 10% है ना, राइट 10% ही है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितनी पेमेंट करनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 1 लाख और प्रीमियम कितना था 10% के हिसाब से, यानी कि 1,10,000 रुपये हो गया। पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। राइट, सो पेमेंट हमारे हो गए। इसके बाद कंपनी ने फॉरफिट, जो इक्विटी शेयर के थे उसको कंपनी ने फॉरफिट करा 12 रुपये के हिसाब से। अब वह भी एंट्री करेंगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आपका है। लेंदी है बट इजी है, एक बार आपका हाथ बैठ के फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको उसमें। कंपनी का कर रही है रीशू, कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर को, सब बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले एक बार इसकी फॉरफिट की एंट्री देखी थी, हमने क्या करी थी, हमने करी थी ये वाली एंट्री, हमने 300 शेयर्स के प्रॉफिट करे थे, राइट। अच्छा क्या बोला, यहाँ पर कंपनी इसको रीइश्यू करती है 12 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ तक इतने से कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, तो कंपनी की अच्छी बात है। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी इसमें, इस बार टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखोगे यहाँ पर आप, राइट। तो 300 शेयर हैं तो 300 के हिसाब से 2 रुपये का तो यहाँ पर आ जाएगा, दो रुपये ही होगा ना, 12। जस्ट अ मिनट, कंपनी ने 300 शेयर प्रॉफिट किए थे ना, हाँ कंपनी 300 शेयर, सर 300 शेयर नहीं होगा ये रेट, वेट 300 रुपये हैं, सॉरी मैंने गलत लिया, 300 रुपये के हैं और 2 रुपये यानी कि 150 शेयर हुए हैं, सॉरी यहाँ पर भी, सॉरी सॉरी यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक कर दी, ये 150 रुपये के हिसाब से होगा। सर ये आ जाएगा 1500, ये 1200 और ये 300, यहाँ पर भी हो जाएगा 150 और यहाँ हो जाएगा 150 इंटू में 10, यहाँ हो जाएगा 150 इंटू में 12, ये हो जाएगा 1800, यहाँ मन कुछ नहीं आएगा 1500 और 300, राइट। चलिए रीशू भी कर दिए, ये भी एंट्री हो गई। अब बस अब कंपनी में करना है बोनस इशू करना है। बोनस कितना इशू करना था भाई, हमने देखा था अभी 50,000 हमें लाने, 50,000 कंपनी कहाँ से लाएगी, 50,000 पहले लाएगी तो सी आर आर हमने कितना किया, 1,00,000 रुपये का सारा अमाउंट तो वहीं से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी आर आर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, थाउजेंड
राइट, एंड देन बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 50,000, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी लेंथी था, छोटे छोटे पॉइंट आपको फोकस करना था इसमें, बाकी आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट था। इसकी बैलेंस शीट का टोटल ये आप बैलेंस शीट खुद बना लेना, राइट। सो दिस इज द चैप्टर दैट इज बोनस इशू। इसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर में अलग से बनाऊंगा दैट इज ऑन एल्जेब्रिक में, तो वो मैं आपका जो है अब तक जो हमने कहा था दैट मीन्स रिडेम्पशन प्रेफरेंशियल सिंपल वाला एंड रिडेम्पशन प्रेफरेंशियल विद बोनस इशू, वहाँ पर आपको समझ आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम एल्जेब्रिक क्वेश्चन कब निकालेंगे, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, थैंक यू।